हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हैदर और आप देख रहे हैं हैदर कर। आज का ब्लॉग जो है, हम लोग चलेंगे भितरकनिका के लिए। अभी रास्ते में निकलते निकलते ही धूप हो गया है और हमको क्या करना था, जल्दी निकलना था। फॉर्चुनेटली हम लोग जल्दी निकल नहीं पाए, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, इसलिए धूप निकल चुका है। फिलहाल टाइम आप देख रहे हैं 11:30 हो चुका है, मतलब 11:30। दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। 80 किलोमीटर डिस्टेंस है घर से भितरकनिका का लगभग, और वहाँ पे अगर अब बोटिंग के लिए वेट करो तो लगभग 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे वेस्ट होता है। जब तक बोट फुल नहीं हो जाता, आपको बोट वाले उस तरफ लेके जाते ही नहीं है। ये एक प्रॉब्लम रहता ही है हमेशा के लिए। और अगर घूम के आप जाना चाहते हैं तो रास्ता है, लेकिन 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपको लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि बोट में जल्दी निकल जाए, जल्दी सारी खूबसूरती देखकर हम लोग 3 से 4 बजे के अंदर हम लोग रिटर्न हो जाएं। कोशिश करेंगे जल्दी निकलने की। और फिलहाल हम लोग ओलावर पार हो चुके हैं, यहाँ से सीधा लेंगे MH। हम लोग के साथ में करीबन 4-5 बंदे और हैं जो हमारे पीछे आगे चल रहे हैं। बहुत कोशिश के बाद फाइनली हम लोग निकल चुके हैं भितरकनिका के लिए। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाने वाले हैं भितरकनिका नेशनल पार्क। बहुत ही जल्दी हम लोग पहुंचने वाले हैं, लगभग थोड़ा ही दूर रह गया है भितरकनिका पहुँचने में। ATM यहाँ कहीं देखे थी, ATM। तो गाइस अभी हमें ATM मिल चुका है। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। गाइस ये है बोट, यहाँ से हमको लेना है बाइक के लिए बोट। जो अभी दिख रहा होगा आपको सामने से, वो आ रहा है, ये सामने दिख रहा होगा आपको बोट। वो आने के बाद वहां से गाड़ी हम लोग लेके जाएंगे नदी के उस पार। तो फाइनली गाइज हमारा बोट आ गया, अभी लग चुका है। अभी हम यहाँ पे लोड करेंगे अपनी बाइक को, यहाँ से फिर चलेंगे सीधा नदी के उस पार। चलिए हम लोग पहले गाड़ी लोड कर देते हैं, सारा गाड़ी खाली होने के बाद हम लोग लोड करेंगे अपना गाड़ी। अभी हो चुका है बोट पूरा का पूरा खाली, यहाँ से थोड़ी दूर में और एक बोट। गाइज यहाँ पे हमारा होगा अभी गाड़ी लोड। ओए गिरने वाला है, जितना पीछे उतना पहले। भाई मजा आसी होला गोला आतला में बैटरी फुल ऑन ये बिछवा दी तो संदीप के बोले थे। गाइस ये नदी का बीच वाला हिस्सा है जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है, और ये देख रहे होंगे हमें वो टाटा भाई भाई कर रहे हैं ये लोग। ये जो सामने प्राइवेट बोट खड़ा हुआ है, और यहाँ से हमारा सफर शुरू हो गया है, बिल्कुल नदी के उस पार जाना है हमको। गाइस यहाँ पे हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं नदी के किनारे में। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नदी के पार में। गाइज यहाँ से हम लोग भितरकनिका नेशनल पार्क के कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं, और यहाँ से थोड़ी दूर रह गई है नेशनल पार्क को। हमारे आगे एक बोलेरो जो बहुत ही धूल उड़ाती हुई जा रही है।
मेरे को लग रहा है कि हम लोग थोड़ी दूर और रह गए पहुंचने में। नेशनल पार्क ऐसा लग रहा है धीरे धीरे और दूर और दूर और दूर होता जा रहा है। तो फाइनली गाइज हम लोग नेशनल पार्क एंट्री कर चुके हैं। ये रहा हमारा नेशनल पार्क, हम लोग पहुंच चुके हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क में। तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी को करेंगे पार्क, पार्क करने के बाद यहाँ से निकलेंगे सीधा भीतरकनिका के लिए। एटा मेन गेट ना आउ किछु गेट होची एटा मेन गेट, एटा मेन गेट मु कोन कहूतली भाई हेलमेट रे रखले किछु असुविधा जी प्रॉब्लम एबे नी एमिति चला के होलेनी ए जो हमर लॉग मारि जाउ ना दे जो रेड पॉइंट दा जो रॉक सेटा लॉग मारि जाउ जन सेमि चला से रेड पॉइंट खोल दउ छी तार दे लॉग मार दे जा भाई मोन ने गोस्ती हो ना लाइट बस गाड़ी पर बसी ऑन नहीं भी गाइस अभी टाइम हो चुका है बहुत ज्यादा। सोच रहे थे कि पहले लंच कर लेते हैं फिर यहां से निकलेंगे लंच करके सीधा नेशनल पार्क के लिए। आप गाइज ये है क्रोकोडाइल हैचरी। सर कहाँ जा रहे हैं बताइए जरा। सर यहाँ से बोर्ड सर आप देख के समझ सकते हो सर, यहाँ पर हमारे पास स्टॉक अभी 191 स्टॉक है 191। हाँ हाँ और जो वन है वन में इतने स्टॉक है अभी 25 है, टू में थ्री में यहाँ पर इतने स्टॉक है, वन में अभी है ही अवेलेबल, टू में 25 है, थ्री में 20 है, फोर में 25 है, फाइव में 23 है, अभी इतने स्टॉक है टोटल 191 से स्टॉक है। ओके टोटल 191। वो सामने दिख रहा होगा आपको क्रोकोडाइल के बहुत ही सोए हैं, फाइव वीक वाले यहाँ पे हैं। अरे भाई ने हमें फ़ोन करके बुलाया, यहाँ पे वाइट वाला क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा। ये सामने रहा वाइट वाला क्रोकोडाइल, ये बिल्कुल यहाँ पे सोया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे रहती है गोरी क्रोकोडाइल, लेकिन यहाँ से कहीं पे भी हमको दिखाई नहीं दे रहा ये गोरी क्रोकोडाइल है कि। गाइस ये है डायनासोर का म्यूजियम, सॉरी क्रोकोडाइल का म्यूजियम। चलिए हम आपको लेके दिखाते हैं, जूता बाहर ही रखो तू। ये है एंट्री गेट, यहाँ से चलेंगे हम लोग म्यूजियम के अंदर। म्यूजियम के अंदर का सारा हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। ये बैटरी वाली गाड़ी है, गाड़ी की सर्विस अवेलेबल है, लेकिन हम लोग जवान लौंडे थे इसलिए पैदल आ गए। यहाँ से हमको आगे निकलना है बोटिंग के लिए। यहाँ पे हर एक बोटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल आपको मिल जाएगी, जिस तरीके का बोट लेना चाहें। VIP बोट आप अगर लेना चाहते हैं तो VIP बोट भी मिल जाएगा आपको, और अगर प्राइवेट बोट लेना चाहते हैं तो प्राइवेट बोट भी मिल जाएगा आपको। तो एंटर करो, एक सामने क्रोकोडाइल एक सोया हुआ है। सब प्लेस को टाइम अलग अलग थाएं सपोज भीतर मछरका चढ़ा किंगफिशर चढ़ा टाइम।
पे एक हिरन। चाचा फुल एंजॉय में। ये सामने देख रहे हो, ये है क्रोकोडाइल जो पानी में। ये रहा क्रोकोडाइल बिल्कुल पास में तैरता हुआ, ये है। बूढ़ी वाला, बूढ़ी वाला, बूढ़ी वाला, बूढ़ी वाला। नेचर की खूबसूरती आप यहाँ से देख सकते हैं। ओए होए, बेटा ये है सूरज। अच्छा भाई, आमु परफेक्ट टाइमिंग रे ठीकार कहले केते बडे आसीले परफेक्ट देखिया को मिलियो। जतबेले लो टाइड थिबो खरा थिबो सेई टाइम थरी के माने खरा थिले बाहरी ने खरा थिबो लो टाइड थिबो। अच्छा अच्छा, खरा न थिले बाहरी वे खरा न थिले बाहरी लो टाइड। ठंडा ठंडा अधिक रहले, ठंडा अधिक रहले तो भलो भलो बाहरी रे। ठंडा टाइम रे लो भलो ना बाहर, ठंडा टाइम रे लो टाइड थिबो टाइम रे आ खरा खरा। अच्छा अच्छा, अच्छा ये जनवरी फेब्रुवारी भीतर ये सब इति किसी अछि सखा गारंटी अछि किसी सखा जे खरा चाल बाट को कने बारे आ नोट मो सेति पई कम कर हम नोटा 10 टा पकरु 12 टा पर्यंत खाली ही टाइम हबो देखि परी नोटा 10 टा रु 12 टा जाय। अच्छा माने मॉर्निंग रे असली बोलो टाइम दे हबो नि काई कि आज ये धर संजय बळ जुआर होला। हां हां हां, सकाळु जुआर नै साइड पको सो जळ होला फेर जो भोर पा रात्रि जुडा जुआर हबो एटा मोटा होला परे। हां हां, फेर जो जुआरटा हबो तो 9टा 10टा होले आज्ञा, फेर सेउ पानीटा जो फटा हबो सेई पानी फटा पानी रो जा उठि ऊपर को खरा टाइम रो देखि। अच्छा अच्छा, एसी के बुझिया माने भाग्य नै कि एठी देखाओ एति कि तो भाग्य तो सेटा तो अलग कथा कहू जो भाग्य कथा ये तो कुंभीर हो कि कोन पानी रो रोइबा जंतु से। हां से भी ठीक है, ता तो गारंटी दे परि। हां से भी ठीक कथा, खुला जंतु माछ ड कोन हम जाल पके होतिबा एडी अछि माछ उले कोन हम गेरे दबा। हम्म, जालटा पकेबा माछ पड़िबो कि न पड़िबो ता गारंटी अछि। से भी ठीक कथा, ए तो कुंभीर हो कि कोन खरा मौसम वर्तमान ठंडा टाइम। हम्म हम्म, कुठिया टाइम रो तांकर। हम्म, ज्वर हे फुल हे हो। गाइज ये वाली वीडियो को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि भीतरकनी का टूर अभी हो चुका है बिल्कुल ख़त्म। यहाँ से हमने आपको सारा सब कुछ दिखा चुके हैं, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा घर के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।